SBI क्लर्क का रिजल्ट अभी नहीं आएगा भाई, कम से कम 1-1.5 महीना भूल जाओ अभी रिजल्ट को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास मेंस लेवल पजल सेट 8 या 9 है, शायद 9 है ये सेट। तो स्टार्ट करते हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। जिनको नहीं समझ में आ रहा है, एटलीस्ट क्वेश्चन को पढ़ लीजिए 2 बार, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफिकेशन वाली क्लास कैंसिल हो गई थी, बीच में इश्यू आ गया था तो मैंने बंद कर दिया था, इसलिए उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है। 8-10 क्वेश्चन मैंने कराए थे, लेकिन मैं उसको बंद कर दिया था क्लास को बीच में ही, इसलिए वो आपको नहीं दिख रहा है। वो दोबारा से फिर से जब क्लास होगी तो आपको दिख जाएगा उसका रिकॉर्डिंग। सर ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी आपका ऐप काम नहीं करता? दोस्तों नया नया है, जब कोई भी चीज़ नई नई होती है तो उसमें धीरे धीरे चेंजेस करते रहते हैं, मतलब करने पड़ते हैं। तो कुछ कुछ बैकएंड पे काम चलते ही रहता है डेली, और ये चलते ही रहेगा आने वाले 1-2 साल तक, जब तक मतलब, क्योंकि देखो कभी भी कोई भी चीज़ रुकेगी नहीं। मुझे हमेशा कुछ ना कुछ नई नई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहेगी, जैसे क्विजेस का अभी काम भी बैकएंड पे चल रहा है, तो वो थोड़ी बहुत चीज़ों की वजह से इश्यूज आते रहते हैं। परफेक्ट अगर आप सोचोगे कि सब कुछ एकदम परफेक्ट रहे हमेशा शुरुआत से ही, तो ऐसा नहीं होता है, वो धीरे धीरे ही इम्प्रूव होता है। गुड मॉर्निंग सभी को, जल्दी से बनाइए पजल, एटलीस्ट क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लीजिए।
जो भी बोल रहा है लैपटॉप में चल नहीं रहा है, चल तो रहा है यार वेबसाइट पे? अच्छा बढ़िया चल रहा है एकदम। अच्छा वेबसाइट में जो भी लोग देखते हैं ना, क्वालिटी को ऑटो मत करिएगा कभी भी। ऑटो करोगे तो बफरिंग होगा। आप अपने इंटरनेट कनेक्शन के हिसाब से जो क्वालिटी है उसको आप 360 पिक्सल्स पे रख सकते हो, 480 पिक्सल्स पे रख सकते हो। अगर आपका नेट अच्छा है तो आप पूरा HD क्वालिटी में रखिए। नैनीताल बैंक का लेवल भी लगभग बाकी जो RRBPO वगैरह का लेवल रहता है वैसे ही रहेगा। पलाश जी टेक्स्ट बड़ा इससे अगर मैं करूंगा तो क्वेश्चन नहीं आ पाएगा एक एक स्क्रीन पर, फिर वो बात वही हो जाएगी, जो लोग जल्दी पढ़ लेंगे वो बैठे रहेंगे और नेक्स्ट स्लाइड कर दिए, और जो लेट से क्लास में जुड़ेंगे वो नहीं पढ़ पाएंगे, तो बड़ा प्रॉब्लम होता है उसमें। दीपांजन जी चलिए बहुत अच्छी बात है, नए नए फॉलो किए और अच्छा लग रहा है। तो स्टार्ट करें अब? पास आ जाओ थोड़ा सा, क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए यहां पर क्या बोला गया है दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले तो अच्छा इसको चालू करते हैं, हाइलाइटर को। यहां पर बोल रहा है थ्री थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोविड वैक्सीन, कोविशील्ड फाइजर वर गिवन टू अ, ये क्या हो रहा है यार, ठीक है, थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोविड 19 वैक्सीन, कोवैक्सीन, कोविशील्ड एंड फाइजर वर गिवन टू अ वैक्सीनेशन सेंटर। एक सेंटर को तीन टाइप की वैक्सीन दी जाती हैं। बोरा दिस वैक्सीन वर गिवन ऑन फोर डिफरेंट डेट्स ऑफ अ मंथ, तो चार डेट्स पे ये वैक्सीन दी जाती है, 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख और 19 तारीख। These vaccines were given to three age groups, तो तीन age groups दिए गए हैं, 18 से 44, ठीक है, age group 45 से 60, middle age group और 60 से plus age group, तो तीन age group दिया गया है। On each day it was first given to 60 plus age group, then middle age group and at last to 18 plus group। मतलब सबसे पहले 60 के plus वाले, मतलब 60 से ज़्यादा, जैसा यार पूरा आपका ना जो scene ये बना रहा है ना, पूरा actual real life में हो चुका है, तो आपको ये चीज़ें रिलेट करनी पड़ेंगी कि भाई सारी वैक्सीन दी गई लेकिन सबसे पहले क्या किया गया, 60 के पहले वालों को वैक्सीन लगेगी, फिर उसके बाद 45 से 60 वालों का चालू किया गया, उसके बाद 18 प्लस वालों का चालू किया गया, तो उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है, समझ में आया आदर्श जी? बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है, अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे 100% तरीके से, अपना 100% दोगे, डेफिनेटली हो जाएगा। बहुत लोगों का हुआ है भाई सिलेक्शन। ईच ग्रुप टुक वैक्सीन ऑन ईच डे। अब देखो दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, तारीख कौन कौन सी दी है, 16, 17, 18, 19, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर टेबल बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। टेबल कैसे बनाएंगे भाई, आपको क्या पता है कि 16 तारीख है, एक 17 तारीख है, एक 18 तारीख है और एक 19 तारीख है, तो ये चार आप लोगों को डेट्स दे दी गई हैं, तो इनका टेबल बना लीजिए सबसे पहले। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, अब देखेंगे कि भाई एज ग्रुप कौन कौन से हैं। तो एज ग्रुप हमको क्या पता था भाई, सबसे पहले किनको वैक्सीन दिया जा रहा है, 60 प्लस वालों को दिया जा रहा है, उसके बाद किसको वैक्सीन दिया जा रहा है, 60 प्लस के बाद किसको वैक्सीन दिया जा रहा है, 45 to 60 वालों को वैक्सीन दिया जा रहा है, ठीक है। तो 60 प्लस के बाद किसको दिया जा रहा है भाई, 45 to 16 वालों को दिया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों किसको वैक्सीन दिया जा रहा है भाई, इसके बाद 18 प्लस वालों को वैक्सीन दिया जा रहा है, ठीक है।
टिप खराब हो गया लग रहा है, एक मिनट रुको। आप लोग टेबल बना लीजिए तब तक। ठीक है, तो अब यहां पर देखो दोस्तों, ये टेबल हमने बना लिया। हमको पता चल गया कि भाई तीन एज ग्रुप वाले हैं, 60 प्लस वाले, 45 टू 60 वाले और 18 प्लस वाले। अब दोस्तों आपको आगे क्या बोला गया है, यहां पर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर ए में बोल रहा है, इफ एनी एज ग्रुप टुक कोवैक्सीन ऑन एनी डे देन दैट एज ग्रुप विल नॉट टेक फाइजर ऑन एनी अदर डे। बोल रहा है कि किसी भी एक ग्रुप में अगर कोवैक्सीन लग जाती है, मान लो कि किसी ने कोवैक्सीन लगा दी, तो अब आपको क्या बोल रहा है, देन दैट एज ग्रुप विल नॉट टेक फाइजर ऑन एनी अदर डे। तो कोवैक्सीन के साथ नीचे ऐसे फाइजर नहीं आना चाहिए, ठीक है। कोवैक्सीन अगर आ गई किसी भी एज ग्रुप में, मतलब ऐसे कॉलम में आपको देखना है, एक कॉलम में कोवैक्सीन आ गई तो उसमें फाइजर नहीं आ सकती, साथ में नहीं हो सकते, ठीक है। अब बोल रहा है भाई, मिडिल एज ग्रुप टुक फाइजर ऑन इवन नंबर डेट्स ओनली। तो मिडिल एज ग्रुप जो है वो क्या है भाई, 45 से ये 60 है यार, ठीक है, 16 लिखा गया था, ये 45 से 60 है। तो आपको क्या बोल रहा है, मिडिल एज ग्रुप जो है वो कौन सी वैक्सीन ले रहे हैं भाई, फाइजर ले रहे हैं। कौन कौन से उसमें, मिडिल एज ग्रुप टुक फाइजर ऑन इवन नंबर डेट्स ओनली। इवन नंबर की डेट्स मतलब कि हम बोल सकते हैं कि यहां पर फाइजर होगा और यहां पर फाइजर होगा, बोल सकते हैं ऐसा भाई। बोला है सिर्फ ओनली मतलब किस में होगा, इवन वाले पे होगा, तो इवन वाले पे रख दो भाई। अब बोल रहा है, नो एज ग्रुप वॉज गिवन द सेम वैक्सीन फॉर मोर देन 2 डेज एंड द सेम वैक्सीन वॉज नॉट गिवन टू ऑल द 3 एज ग्रुप इन अ डे। क्या बोल रहा है आपको, नो एज ग्रुप वॉज गिवन द सेम वैक्सीन फॉर मोर देन 2 डेज। 2 दिन से ज्यादा कोई भी वैक्सीन एक एज ग्रुप वालों को नहीं दी जा सकती, क्लियर है। दूसरी चीज आपको क्या बोला है कि एंड द सेम वैक्सीन वॉज नॉट गिवन टू ऑल द 3 एज ग्रुप इन अ डे, मतलब एक ही दिन में तीनों को सेम वैक्सीन भी नहीं दी जाएगी। मतलब यहां पर अगर फाइजर आ गया तो यहां तीनों में फाइजर नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है वो। दूसरी चीज, इस पूरे कॉलम में देखोगे तो मैक्सिमम 2 बार फाइजर आ गया, इससे ज्यादा फाइजर नहीं आ सकता, क्लियर है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन डी, ऑप्शन क्वेश्चन कर रहा हूं यार, क्या पॉइंट नंबर डी में क्या बोल रहा है देखो, 18 प्लस एज ग्रुप टुक फाइजर ऑन एटलीस्ट 1 डे। 18 प्लस वाले जो है वो कम से कम एक दिन, या मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मिनिमम एक बार तो मिनिमम 1 डे फाइजर होना ही चाहिए, मिनिमम एक दिन तो फाइजर होना ही चाहिए, ज्यादा भी हो सकता है, मतलब 2 भी हो सकता है, क्योंकि 2 से ज्यादा तो मना किया गया है। मतलब मिनिमम 1 मैक्सिमम 2, यहां पर लिख सकते हैं मिनिमम 1 मैक्सिमम 2, ठीक है। आगे आपको क्या बोल रहा है दोस्तों, यहां पर देखो, 2 डिफरेंट एज ग्रुप्स अपार्ट फ्रॉम मिडिल एज ग्रुप टुक 2 डिफरेंट वैक्सीन अमंग कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड ऑन द डे मिडिल एज ग्रुप टुक फाइजर। तो आपको क्या बोल रहा है, 2 डिफरेंट एज ग्रुप्स, 2 डिफरेंट एज ग्रुप्स अपार्ट फ्रॉम मिडिल एज ग्रुप। तो मिडिल एज ग्रुप को छोड़कर जो 2 डिफरेंट एज ग्रुप है वो कौन कौन से हैं, ये दोनों। तो इनके बारे में क्या बोल रहा है, टुक 2 डिफरेंट वैक्सीन, तो वो दोनों अलग अलग वैक्सीन लिए हैं अमंग कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड ऑन द डे मिडिल एज ग्रुप टुक फाइजर। जिस भी दिन मिडिल एज वालों ने फाइजर लिया है, तो ये वाले जो 2 लोग होंगे, इन दोनों ने अलग अलग वैक्सीन ली है, या तो कोवैक्सीन या तो कोविशील्ड। मतलब इस वाले दिन पे या तो कोविशील्ड होगा या तो कोवैक्सीन होगा, कोविशील्ड होगा या कोवैक्सीन होगा, कोविशील्ड होगा या कोवैक्सीन होगा, कोविशील्ड होगा या कोवैक्सीन होगा। तो अगर कोविशील्ड यहां आ गया तो कोवैक्सीन यहां जाएगा, कोविशील्ड यहां गया तो कोवैक्सीन यहां जाएगा, सेम चीज यहां पर भी हो जाएगी। समझ में आया इतना सभी को, जल्दी से एक बार बता दीजिए दोस्तों, अगर यहां तक क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबको क्लियर है यहां तक,
क्या समझ नहीं आया बोलते हो यार, इतना आराम से समझाने के बाद भी। कैसे कर दे रहे हो यार? अरे भैया देखो, आपको क्या बोला है यहाँ पर, आपको बोला है कि अगर कोवैक्सीन लगती है किसी भी एज ग्रुप को तो उसको फाइज़र नहीं लग सकती, फिर उस एज ग्रुप को फाइज़र नहीं लगेगी। दूसरा बोला है मिडिल एज ग्रुप टुक फाइज़र ऑन इवन नंबर्ड डेट्स ओनली, इवन नंबर्ड डेट्स ओनली, मतलब 16 और 18। भैया लैंग्वेज को समझो ना, इंग्लिश जो लिखा हुआ है उन चीज़ों को समझो। हिंदी में भी पढ़ के बता देता हूँ, मध्यम आयु वर्ग ने फाइजर को सम संख्या वाली तिथियों पर लिया है, तिथियों पर लिया है, समझो ना भाई। अब इसको मैं क्या समझाऊंगा आपको? तो कौन कौन से इवन वाले दिख रहे हैं? 16 और 18, फाइजर फाइजर हमने रख दिया। अब क्या बोल रहा है, नो एज ग्रुप वॉज गिवन द सेम वैक्सीन फॉर मोर देन 2 डेज, 2 दिन से ज़्यादा सेम नहीं होगा। मतलब देखो यहाँ पर जैसे 45-60 वाले में फाइजर 2 बार आ गया है तो और फाइजर नहीं ले सकते। और क्या बोला है, तीनों ग्रुप को सेम वैक्सीन भी नहीं हो सकती, फाइजर यहाँ फाइजर यहाँ फाइजर यहाँ, ऐसा नहीं हो सकता। अब बोला है 18 से ज़्यादा वालों ने फाइजर को कम से कम 1 दिन तो लिया ही है, कम से कम 1 दिन तो लिया ही है। यहाँ पर मिनिमम एक जगह पे तो कोवैक्स क्या बोलते हैं, फाइजर आना ही चाहिए। अब आपको बोल रहा है टू डिफरेंट एज ग्रुप्स अपार्ट फ्रॉम मिडिल एज ग्रुप टुक टू डिफरेंट वैक्सीन अमंग कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड ऑन द डे मिडिल एज ग्रुप टुक फाइजर। बोल रहा है कि जब ये फाइजर लेगा, मिडिल एज वाला जिस दिन भी फाइजर लेगा, मतलब 16 तारीख और 18 तारीख की बात हो रही है भाई, फाइजर ये कब कब ले रहे हैं मिडिल एज वाले? 16 तारीख को 18 तारीख को। अगर 16 तारीख को फाइजर ले रहे हैं तो बोल रहा है कि जो दो अलग ग्रुप्स हैं यहाँ पर मैंने बनाया भी है, ये देखो ये दोनों, तो इन दोनों में क्या आएगा? बोल रहा है टू टुक टू डिफरेंट वैक्सीन अमंग कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, मतलब कि किसी एक को कोवैक्सीन और कोविशील्ड में किसी एक को यहां पर रखना है, किसी एक को यहां पर रखना है, सेम चीज यहां पर भी हो जाएगी। कोवैक्सीन और कोविशील्ड में से किसी एक को यहां पर रखना है, किसी एक को यहां पर रखना है। तो दोस्तों एक सिंपल सी चीज ये आपको दी हुई थी, क्लर्क का क्वेश्चन है यार, एकदम हलवा क्वेश्चन है। कोवैक्सीन फाइजर के साथ नहीं आ सकती। अब आपको बोला है ना भाई 18 प्लस वाले में तो फाइजर आना ही चाहिए, मिनिमम एक बार तो आएगा ही आएगा, तो कोवैक्सीन को तो यहां पर आप नहीं ले सकते ना, मतलब डेफिनेटली कोवैक्सीन को यहां नहीं ले सकते, तो कोवैक्सीन को यहीं पर लेना पड़ेगा, यहीं पर लेना पड़ेगा कोवैक्सीन को, क्योंकि कोवैक्सीन और फाइजर एक साथ इस वाले में नहीं आ सकते, पॉसिबल ही नहीं था। तो अगर यहां पर कोवैक्सीन आ गया तो यहां पर कोविशील्ड आ जाएगा। समझ में आया अब? हाँ या ना जल्दी बताओ। इतना क्लियर है सभी को? अब क्या करेंगे दोस्तों, अब क्या चीज करेंगे? क्या चीज कर सकते हैं अब बताओ जल्दी, आप लोग खुद से बताओ, खुद से सोचो क्या चीज अब हम कर सकते हैं। भाई देखो सिंपल सी चीज़ है, तीन ही टाइप की तो वैक्सीन थी, तीन ही टाइप की वैक्सीन थी। अगर आपको पता है कोवैक्सीन के साथ फाइजर नहीं आ सकती, तो अगर यहाँ पर कोवैक्सीन कोवैक्सीन आ गया है तो डेफिनेटली कोवैक्सीन के साथ तो फाइजर तो रखोगे नहीं ना, तो कोविशील्ड को रख दो। सब कुछ दिया हुआ था यार, बस आपको दिमाग लगाना है, बस दिमाग आपको लगाना है। कोवैक्सीन कोवैक्सीन के साथ में आप फाइजर तो रख नहीं सकते, तो कोविशील्ड को रख दो, हो गया भाई। अब देखो ये 4 चीजें बची हैं, क्या रख सकते हैं इसमें? आपको एक चीज बोला गया था, ईच ग्रुप टुक वैक्सीन ऑन ईच डे, और भी कोई एक चीज बोली गई थी यार, कहीं पर देख लेता हूँ मैं, एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोविड 19 वैक्सीन, कोवैक्सीन कोविशील्ड एंड फाइजर वर गिवन टू आवर वैक्सीनेशन, दिस 4 डेट्स
ठीक है, अब बताओ दोस्तों ये जो चार चीजें बच रही है इसमें क्या आ सकता है, जल्दी बताओ। क्या आ सकता है आपके अकॉर्डिंग? 45 से 60 वाले में 17 और 19 को, 45 से 60 वाले में 17 और 19 को। एक चीज मैंने बताई, एक चीज आप बता दो भैया, हो जाएगा सॉल्व भैया। अभी बताया जस्ट मैं, जब कोवैक्सीन के साथ फाइजर नहीं लग सकती तो फाइजर के साथ भी तो कोवैक्सीन नहीं लग सकती, तो कोविशील्ड ही तो होगा। हो गया, अब ये देखो ये दो बचे, अब ये दो के लिए बताओ क्या रखोगे? दिमाग लगाओगे तो सब बनेगा ना यार, दिमाग नहीं लगाते हो यार, कैसे कर दे रहे हो? अरे सर जल्दी खत्म करके आगे बढ़ो, अरे समझ में आना चाहिए ना यार, दिमाग तो चलाना सिखाऊंगा आप लोगों को कि नहीं? दिमाग चलाना सिखाएंगे तभी तो पजल बनेगा। अब इसमें क्या बच गया? बस एक ही बचा है, अब जल्दी से बता दो भाई। सिंपल सी चीज थी, जिसने दिमाग लगाया बन गया होगा। भैया जब बोला है कि मिनिमम एक दिन में फाइजर होना चाहिए, मिनिमम एक दिन फाइजर होना चाहिए, ठीक है, चाहे मैं फाइजर को यहां रखूं चाहे मैं फाइजर को यहां रखूं, कोवैक्सीन तो आ नहीं सकता, कोवैक्सीन तो आ नहीं सकता भाई। ये दोनों जगह पे फाइजर अगर आ रहा है मतलब कोवैक्सीन इस जगह पे आ ही नहीं सकता, मना किया है। तो अगर मैंने फाइजर को यहां रखा या यहां रखा, कोवैक्सीन तो मैं कहीं रख ही नहीं सकता। तो अब क्या होगा दोस्तों? कोवैक्सीन तो रख नहीं सकता, ये दोनों कोविशील्ड हो गया तो यहां कोविशील्ड भी नहीं हो सकता, ये दोनों कोविशील्ड हो गया तो यहां कोविशील्ड भी नहीं हो सकता। जब कोविशील्ड भी नहीं हो सकता, कोवैक्सीन भी नहीं हो सकता, तो सिर्फ फाइजर ही तो होगा। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 100% करेक्ट। अब इसका आंसर मैच करेंगे, ये कम से कम 4 मार्क्स का क्वेश्चन था आपके एग्जाम में, 4 मार्क्स। क्लर्क मीन्स क्लियर है, समझ में आ गया सभी को? आंसर दिखाऊं? ये लो आंसर देख लो। बीच वाले गैप वाले में बता दो। अरे कोमल जी रुक जाओ, अभी पहले इधर ध्यान दो क्वेश्चन जो हम बना रहे। एक क्वेश्चन और अभी हमको करना है पजल का, रुक जाओ अभी। हाँ बस लैंग्वेज समझना था और कुछ भी नहीं था। पीयू लेवल लाओ यार, क्लेरिकल का अगर चल रहा है, मैंने कल का वीडियो में बताया है सब कुछ, फिर भी बोलते हो पीयू लेवल लाओ। कल मैंने आपको बताया था ना भाई, कल का वीडियो जिसने नहीं देखा यूट्यूब पे जरूर देख लीजिएगा, बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए। IBPS PO और SBI PO, इसके अलावा जितने भी एग्जाम होते हैं, अभी हमारा ये वाला कोर्स चल रहा है RRB PO, SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क, RBI असिस्टेंट, RRB क्लर्क। तो अभी हमारा कोर्स ये वाला चल रहा है, तो इनके लेवल के क्वेश्चन अभी मैं करवा रहा हूँ। ये वाला कोर्स जो है ये खत्म होने के 15-20 दिन बाद स्टार्ट होगा। सर 60+ में कोविशील्ड क्यों नहीं लिया? किस में 60+ में? अरे यार आप लोग इसको देखो, यहां पर ना कुछ लोग समझ नहीं रहे होंगे। भैया इसने 60+ एज ग्रुप को लेफ्ट साइड में लिया है, मैंने 60+ एज, अच्छा मैंने भी लेफ्ट में लिया है, ठीक है। तो यहां पर देखो दोस्तों, आपको बोल रहा है 60+ में, कुछ लोग बोल रहे सर कोविशील्ड क्यों नहीं लिए, तो कोविशील्ड लिए तो है ना भैया, ये दो जगह पे कोविशील्ड आया ना, दो जगह पे कोविशील्ड आया ना। यहां 18+ वाले पे आप कोवैक्सीन को नहीं रख सकते हो, तो डेफिनेटली कोवैक्सीन यहीं पर आएगा ना, कोविशील्ड को आप यहां पर नहीं ले सकते थे। अगर आप यहां पर कोविशील्ड को ले लेते तो कोवैक्सीन को आपको यहां पर रखना पड़ता, जो कि पॉसिबल नहीं था क्योंकि फाइजर के साथ नहीं आएगा वो। चलो जल्दी बनाओ।
अरविंद जी, अगर रॉन्ग हो गई आपकी कंडीशन तो सही कर लो, हमने जो बनाया है वो बिल्कुल सही बनाया है, हमारी कंडीशन गलत नहीं हुई है, आपकी अगर गलत हो गई आप उसको सुधार लीजिए। पॉइंट ई 16-18 दोनों डेट के लिए? हाँ दोनों डेट के लिए रहेगा, क्योंकि उसमें मेंशन किया है ना कि जिस भी दिन मिडिल एज वालों ने फाइजर वैक्सीन ली है उस दिन बाकी के जो दो एज ग्रुप हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वैक्सीन लेते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट वैक्सीन लेते हैं तो भाई इधर वाला जो 18 प्लस वाला था उसमें तो फाइजर एक जगह पे कहीं ना कहीं आने वाला था, तो कोवैक्सीन तो उसके साथ हो नहीं सकता, मतलब डेफिनेटली लेफ्ट साइड 60 प्लस वाले में ही आपको कोवैक्सीन रखना है और 18 प्लस में आपको कोविशील्ड रखना है, कन्फर्म था एकदम। इतना हलवा क्वेश्चन था कि 3 मिनट में सॉल्व हो जाता अगर आपको समझ में आ गया तो। ऐसे क्वेश्चन में पता नहीं चलता क्या करना है, वही तो आपको सीखना है, वही तो चीज़ें सीखनी होती। पजल का कोई वो नहीं होता, पजल में क्या सीखोगे, पजल में कुछ नहीं सीखना है, जो भी सीखना है पजल को समझना सीखना है आपको, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है। क्वेश्चन हो गया है फिर से सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या? सारे लोग तो नहीं किए होंगे मेरे ख्याल से, और ये थोड़ा सा चेंज है मेरे हिसाब से, ये थोड़ा सा चेंज है इस क्वेश्चन में, सेम नहीं है। सर 19th में 60 प्लस को वैक्सीन भी आ सकता है, 19th में 60 प्लस को वैक्सीन कैसे आएगा? 16, 17, 18, 19 नहीं आएगा ना, पॉसिबल ही नहीं है। दोस्तों ये मैंने पुराने ऐप में करवाया था शायद, इसीलिए मैं इसमें फिर से करा रहा हूँ, क्योंकि वो वाली क्लास जो है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इसकी रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए इसीलिए करा रहा हूँ। तो फिर से बना लीजिए एक बार, पिछले ऐप में मैं करवाया था जिसकी रिकॉर्डिंग यहाँ अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैं इसको फिर से करा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है, आपके पास इसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए फ्यूचर यूज़ के लिए। खुशी जी डीमोटिवेट क्यों होते हो यार, आप ये सोचो ना कि लेवल हार्ड है, अगर आप उसमें 50 नंबर ला रहे हो मतलब बहुत है आपके लिए। टारगेट बैच में पजल और डीआई को छोड़कर बाकी टॉपिक क्यों नहीं है? अमन जी वो वीकली मिलता है आपको, पजल और डीआई ऐसी चीज है जो आपको रेगुलर बेसिस पर ज्यादा करनी होती है, इसीलिए उसको एक्स्ट्रा भी मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, पर बाकी चीजें वीकली वाले में आपको मिलती हैं, हर वीक के टारगेट मिलते हैं। अनअकैडमी में तो नहीं करवाया मैंने, ये क्वेश्चन तो अभी अभी हुआ आया है मेरे पास। चलो मैं स्टार्ट करता हूं भाई, जिसको नहीं बनाना इधर ध्यान दो, नहीं बनाना है तो इधर ध्यान दो, मैं स्टार्ट करता हूं। जब आप वीडियो प्ले करते हैं ना तो वीडियो के बगल में ऐसा एक बटन आ जाता है ऐसा करके एक, उसको क्लिक करोगे तो डाउनलोड का क्वालिटी पूछेगा किस क्वालिटी पे आपको डाउनलोड करना है, आप डाउनलोड करके वीडियोस को बार बार देख सकते हो, आपके पास बस स्पेस होना चाहिए उतना। आज आपका मूड खराब लग रहा है? नहीं मूड अच्छा है, थकान है थोड़ी सी, वीकनेस है थोड़ी।
कल संडे था ना, घर के काम कर करके हालत खराब हो जाती है। सफाई करो इधर उधर, पूरा स्टूडियो की सफाई किया कल, उसी में हालत खराब हो गई। लैपटॉप में डाउनलोड का ऑप्शन नहीं रहेगा, ऐप में रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बनाने की कोशिश कर दी होगी। तो ये टेबल जो है ये आपको दिया गया है, ठीक है जी। इसके बाद भी मैं थोड़ा सा और रुक जाता हूँ क्योंकि टेबल के हिसाब से ही आपको सॉल्व करना है। ये टेबल गिवन है आप लोगों को, ठीक है, ये टेबल आप लोगों को गिवन है। कशिश भाटिया, आप लाइव क्लासेस को पहले प्रेफरेंस दो और बचे हुए टाइम पे आप पुराने रिकॉर्डेड देखो। अरे हुआ है करते रहते हो यार, बना लो ना यार, फिर से क्या फर्क पड़ जाएगा। लौकी की सब्जी आज खाए थे तो क्या 4 दिन बाद फिर नहीं खाते हो? खा लेते हो ना, 4-6 दिन बाद फिर से बन जाएगी। तो मम्मी की ये तो नहीं थोड़ी बोलोगे सर, मम्मी 4 दिन पहले ही तो खाए थे लौकी, फिर से बना लो, क्या फर्क पड़ेगा, फायदा ही मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए यहां पर क्या बोला गया है, ध्यान दो इधर। 5 different tasks numbered from 1 to 5 were given to the 5 teams, namely PQRST। तो यहां पर दिया हुआ है PQRST नाम की टीम है, उसमें 5 टास्क दिए गए हैं, अलग अलग टास्क 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आपको, द स्टिपुलेटेड टाइम गिवन टू कंप्लीट ईच टास्क टू ईच टीम इज 60 मिनट्स, ठीक, 60 मिनट का समय दिया जाता है। अब क्या बोल रहा है, ऑन कंप्लीटिंग ईच टास्क द टीम विच कंप्लीट द टास्क फर्स्ट रिसीव्स 100 पॉइंट्स। क्या बोल रहा है भाई, जिस भी टीम ने सबसे पहले कंप्लीट किया उसको 100 पॉइंट मिलते हैं। द टीम विच फिनिशेज सेकेंड रिसीव्स 80 पॉइंट, उसके बाद थर्ड वाले को 40, चौथे वाले को 40 पॉइंट और 60, थर्ड वाले को, चौथे वाले को 40 और पांचवे वाले को 20 पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। तो आपको क्या बोल रहा है, एंड द टीम विच फिनिशेज एट लास्ट रिसीव्स 20 पॉइंट इफ द टास्क इज नॉट कंप्लीटेड बाय द टीम इन 60 मिनट्स। अगर बोल रहा है कि 60 मिनट में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, आपको क्या बोल रहा है, इफ द टास्क इज नॉट कंप्लीटेड बाय टीम इन 60 मिनट्स, अगर 60 मिनट में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं टास्क को, देन टीम गेट्स 0 पॉइंट। नो टीम कंप्लीट्स एनी टास्क बिफोर 40 मिनट्स, कोई भी टीम ने 40 मिनट के पहले टास्क कंप्लीट नहीं किया है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। पहले वाले को देखो अभी तक क्या क्या समझ में आ गया, पहले वाले को 100 पॉइंट, दूसरे वाले को 80, तीसरे वाले को 60, चौथे वाले को 40, पांचवे वाले को 20 पॉइंट मिलेंगे। हर टीम को कितने मिनट के अंदर कंप्लीट करना है भाई, 60 मिनट के अंदर टास्क को कंप्लीट करना है। अगर बोल रहा है कि टास्क जो है वो 60 मिनट के अंदर कंप्लीट नहीं होगा, तो क्या बोल रहा है, नो टीम कंप्लीट्स एनी टास्क बिफोर 40 मिनट, 40 मिनट के पहले कोई भी कंप्लीट नहीं करता, लेकिन अगर 60 मिनट से ज्यादा देर लगाएगा तो उसको 0 पॉइंट मिलेगा, उसको और कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा।
अब बोल रहे फॉर एवरी मिनट सेव्ड बाय द टीम इट गेट्स एन एडिशनल पॉइंट, जितने भी मिनट वो सेव करेंगे उसका उनको एडिशनल पॉइंट मिलेगा। जैसे 60 मिनट के बदले अगर किसी ने 55 मिनट में कर लिया तो 5 मिनट उसका बच गया, तो उस बचे हुए टाइम के बदले उनको कुछ बोनस रिवॉर्ड्स मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे। सपोज इफ अ टीम फिनिशेज थर्ड इन 50 मिनट सो दैट टीम सेव्ड 10 मिनट सो दैट टीम विल गेट 60 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 70 पॉइंट। मतलब हर एक मिनट का एक पॉइंट मिलने वाला है, जितना मिनट आप बचाओगे उतना आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलने वाला है, ठीक। जितना टाइम आप बचाओगे उतना आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलने वाला है, हर पॉइंट का एक एक आप हर मिनट का एक एक पॉइंट आपको मिलने वाला है। अब क्या बोल रहा है, टीम आर कंप्लीटेड टास्क टू एट थर्ड, टीम आर जो है उसने कंप्लीट किया है, ये देखो आर वाले ने टास्क टू को कंप्लीट किया है थर्ड पोजीशन पे इन 45 मिनट। तो भाई 45 मिनट में अगर कवर किया मतलब कि 15 मिनट बचा लिया तो 15 पॉइंट तो उसके मिलेंगे, और थर्ड आया है तो 60 पॉइंट मिलेंगे, पहले वाले को 100, दूसरे वाले को 80, तीसरे वाले को 60, तो 60 और 15 75 होगा ना। मतलब हम बोल सकते हैं टीम आर का टास्क टू जो है यहां पर 75 पॉइंट होने चाहिए। अब क्या बोल रहा है आपको, एंड टीम क्यू कंप्लीट्स टास्क 5 एट फर्स्ट, तो क्यू ने जो टास्क 5 था, क्यू ने टास्क 5 तो पहले कंप्लीट किया है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एट फर्स्ट बिफोर 2 मिनट्स ऑफ द स्टिपुलेटेड टाइम, तो बिफोर 2 मिनट्स मतलब 2 मिनट का 2 पॉइंट, और फर्स्ट आया उसका 100 यानी 102 हो गया आपका। आगे आपको क्या बोल रहा है, टोटल स्कोर ऑफ टीम आर इज 29 मोर देन टीम क्यू, तो टीम क्यू का टोटल स्कोर जितना भी होगा उससे टोटल स्कोर ऑफ टीम आर इज 29 मोर, तो बोल रहा है कि क्यू वाले से ये जो होगा वो प्लस 29 होगा, 29 पॉइंट ज्यादा होगा टीम क्यू वाले के टोटल से, इसका टोटल जो है वो 29 ज्यादा होगा। आगे बोल रहा है आपको, टोटल स्कोर बाय ऑल द टीम्स टू कंप्लीट टास्क वन इज 329, टास्क वन को कंप्लीट करने के लिए जो टोटल इन लोगों को लग रहा है वो 329 लग रहा है। टोटल स्कोर बाय ऑल द टीम्स टू कंप्लीट टास्क वन इज 329। तो दोस्तों 329 पे अगर आप ये दोनों को ऐड करके माइनस कर दो तो ये आर की वैल्यू पता चल जाएगी आपको। पता चल जाएगी टीम आर की वैल्यू, जल्दी से इसका कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा, मैं तब तक आगे बढ़ता हूँ। अब बोल रहा है टीम पी वॉज फोर्थ टू कंप्लीट टास्क टू इन 48 मिनट्स, तो टीम पी जो है उसने टास्क टू को कंप्लीट किया है 48 मिनट में, तो 48 मिनट में कंप्लीट किया मतलब 12 मिनट के 12 पॉइंट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही साथ उसने कब कंप्लीट किया है टास्क टू को, उसने फोर्थ कंप्लीट किया है, टीम पी वॉज द फोर्थ कंप्लीट किया मतलब 40 पॉइंट मिलेंगे, तो 40 प्लस 12 यानी कि 52। क्लियर है, तो यहां पर 68 आ रहा है, सभी लोग बता रहे हैं भाई ये देखो ये सबको कैलकुलेट करके 329 से माइनस करना था, 68 आ जाएगा। 102 समझ में नहीं आया, अरे क्या बोला था टीम क्यू के लिए, ये देखो टीम क्यू कंप्लीटेड टास्क 5, टीम क्यू ने टास्क 5 को कंप्लीट किया एट फर्स्ट, एट फर्स्ट मतलब भाई फर्स्ट आया, देखो जो भी फर्स्ट आएगा उसको 100 पॉइंट मिलेगा, तो टीम क्यू को टास्क 5 में 100 पॉइंट तो मिलने वाले हैं। पर बोल क्या रहा है, बिफोर 2 मिनट्स ऑफ द स्टिपुलेटेड टाइम, स्टिपुलेटेड टाइम कितना था 60 मिनट, अगर 2 मिनट पहले खत्म किया तो 2 मिनट उसका बोनस पॉइंट भी तो मिलेगा ना इसको, तो इसलिए 102 हो गया। अरे यार कैसा हलवा क्वेश्चन को भी आप लोग बोलते हो, समझ नहीं आ रहा है यार, मतलब इतना मतलब कैसे कर सकते हो आप लोग। भाई अगर मैं थर्ड आया हूं तो मेरे को कितने पॉइंट मिलेंगे, 60 पॉइंट मिलेंगे। अगर मान लो कि मैंने 20 क्या बोलते हैं 42 मिनट में अपना टास्क कंप्लीट कर लिया था, तो 18 मिनट पहले टास्क कंप्लीट किया तो इसमें 18 पॉइंट और ऐड हो जाएगा ना, तो मेरे तो टोटल 78 हो जाएंगे। तो वैसे ही तो इसमें कर रहे हैं भाई, और क्या कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम तो। भाई सबसे पहले तो आप ये देखो कि कब कंप्लीट कर रहा है, वो कंप्लीट कब हो रहा है उसका टास्क। अगर फर्स्ट कंप्लीट करेगा तो 100 पॉइंट, सेकंड कंप्लीट करेगा तो 80 पॉइंट, थर्ड कंप्लीट करेगा तो 60 पॉइंट, फोर्थ नंबर पे कंप्लीट करेगा तो 40 पॉइंट, और फिफ्थ नंबर पे कंप्लीट करेगा तो 20 पॉइंट। अब इसके अलावा जो टाइम बोल रहा है कि भाई इतने टाइम में कंप्लीट किया, तो 60 से जितने मिनट पहले कंप्लीट किया हर एक मिनट का एक एक पॉइंट,
इतना इजी क्वेश्चन ही आ रहा है उसमें भी बोल रहे हो नहीं समझ में आ रहा है। ये एक वैल्यू निकालनी है, पूरा टोटल आपको इस लाइन का बता दिया है। अरे तो ये चार लोगों को ऐड करो, 45 प्लस 25 प्लस 88 प्लस 103, ये चार को ऐड करो 329 में, माइनस करो आ गया ये वाली वैल्यू। अब क्या बोल रहा है आपको यहां पर देखो, टीम टी कंप्लीट्स टास्क फोर एट लास्ट। बोल रहा है टीम पी वॉज द फोर्थ है कंप्लीट करने के लिए, मतलब 40 पॉइंट तो मिलना ही मिलना है इसको। टीम टी कंप्लीट्स टास्क फोर, टी जो है वो टास्क फोर को कितनी देर में कंप्लीट करता है, फोर्थ नंबर पे, मतलब कि 40 पॉइंट तो मिलने ही मिलने हैं यहां से। ये देखो उसके बाद बोल रहा है एट लास्ट इन 50 मिनट्स, तो 50 मिनट में कंप्लीट किया, मतलब 10 मिनट पहले कंप्लीट किया, तो 10 मिनट का 10 पॉइंट मिलेगा, तो 40 प्लस 10 यानी कि 50 पॉइंट हो गए भाई इसके। अब देखो क्या बोल रहा है, टोटल स्कोर बाय ऑल द टीम्स टू कंप्लीट ऑल द टास्क इज 1710। सारे टास्क मिलाकर कितने आने चाहिए, 1710 आने चाहिए टोटल, सारे टास्क मिलाकर 1710 आने चाहिए। तो दोस्तों यहां पर सिंपल सी चीज है, आपको बोला है टीम क्यू जो है उससे 29 ज्यादा ये वाली वैल्यू दिखनी चाहिए, ठीक है। बोला था ना टीम क्यू के जितने भी पॉइंट बनेंगे उससे 29 ज्यादा यहां के पॉइंट बनेंगे, तो ये वाले तो सारे पॉइंट आपको दिख रहे हैं, इन सभी को ऐड कर लो आप लोग। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 6, 7, 13, 13 और 6, 19, 5, 24, 10, 34, 340 तो ऐसे ही हो गया। फिर 8, 8, 16, 16, 5, 21, 22, 23, 24 इसमें ऐड कर दो, मतलब कि 364 हो गया। इसमें 29 को माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 14 में 9 गया 5, 5 में 2 गया 3 और ये 3, 335। अब इन वाली वैल्यूज को ऐड करो, लास्ट वाला 20 होगा, अच्छा ठीक है। दोस्तों यहां पर ना टीम टी कंप्लीट्स टास्क फोर एट लास्ट बोला है ना, मैंने फोर्थ ले लिया था इसको, ये टास्क फोर है, फोर्थ नहीं बोला है, ठीक है। टास्क फोर था लेकिन लास्ट में कंप्लीट किया है ऐसा बोल रहा है। ये देखो टास्क फोर एट लास्ट, लास्ट मतलब कि लास्ट वाले का कितना है भाई, 20 पॉइंट्स है और 50 मिनट में किया है तो 10 पॉइंट उसको बोनस मिल रहे हैं, मतलब कि टोटल 30 हो जाएगा ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, 335 तो आपको टीम आर का मिल गया, 335 अगर टीम आर का मिल चुका है मतलब इससे आपको कितना पॉइंट कम चाहिए भाई, 29 अगर ये ज्यादा है, ये देखो 335 जो इससे 29 ज्यादा है, मतलब यहां पर कितना 306 होना चाहिए, 309 नहीं, 335 से 29 मतलब 6 बचेगा, 306 पॉइंट आने चाहिए यहां पर इस वाले में, टीम क्यू में आपके 306 पॉइंट आने चाहिए। चलो ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 100, 160, 70, 80, 8, 2, 16, 260, 5, 4, 9, 6, 15, 260, 270, 277। तो 306 में 277 को माइनस कर दो। एक बार मैं फिर से कैलकुलेट कर लेता हूं, 10, 6, 16, 16, 8, 24, 25, 26, 260 तो ऐसे ही हो गया। उसके बाद फिर 6, 5, 11, 4, 15, 16, 17, ठीक है 277 में अगर मैं 306 माइनस करूं तो 23 और 6 कितना हो जाता है 29, तो 29 जो बच रहा है वो इधर पर आना चाहिए। कुछ गलत किया हूँ मैं, रुक जाओ, 10, 5, 15, 15, 7, 22, 6, 28, 28 और 6, 34, 8, 8, 16, 8, 24, 24, 5, 29, 30, 31, 32, 372। ठीक है दोस्तों ये 372 होगा, ठीक है मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक है, 372 होगा ये वाला जो होगा, ये 372 होगा जो कि 29 ज्यादा है इस वाले से, मतलब 372 में माइनस कर दो 29, 12 में 9 गया 3, 6 में 2 गया 4 और 3, 343 आना चाहिए। अब देखो ये वाली दो वैल्यू सब मतलब ये चारों को ऐड करो तो ये 343 में माइनस करो तो इनका टोटल कितना हो रहा था दोस्तों, 100, 6, 16, 16, 8, 24, 25, 26, 26 और 277 आ रहा था, ठीक है। तो 343 में
277 को माइनस करेंगे तो 13 में 7 गया 6, 13 में 7 गया 6, 66। अब एक ये वाली वैल्यू बची है दोस्तों, ये वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे, सारी वैल्यू को आपको ऐड करना है, सारी वैल्यू को आपको ऐड करना है और टीम एस का निकाल पाओगे आप, क्यों, क्योंकि आपको बोला है 1710 टोटल है, तो सारी वैल्यू को ऐड करिए, 1710 में माइनस करिए, आपका आ जाएगा ये वाली वैल्यू। ठीक, तो इसको जल्दी से निकाल के बताओ वैल्यू कितनी आ रही है, मैं तब तक आप लोगों से इसके क्वेश्चन पूछ लेता हूं, क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट हैं। इन हाउ मच टाइम डिड टीम एस फिनिश्ड टास्क एस, टास्क फाइव, अच्छा नहीं लग रहा यार आज, टीम एस ने टास्क फाइव को कब कंप्लीट किया है, कितने मिनट में कंप्लीट किया है, टीम एस ने टास्क फाइव को कितनी देर में कंप्लीट किया, ये जो 63 आ रहा है ना उसको देखकर आपको आंसर देना है, 63 कैसे आ रहा है, आएगा ये, ठीक है, बोल रहा है टीम एस टास्क फाइव, सॉरी 63 नहीं, टीम एस टास्क फाइव 47, इसने कितने, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था यार मैं खुद ही भूल गया, दो मिनट रुको मुझे फिर से क्वेश्चन देखने दो। इन हाउ मच टाइम डिड एस फिनिश्ड टास्क फाइव, एस ने कितने टाइम में इसको फिनिश किया हुआ है, कितने मिनट में फिनिश किया हुआ है, फिफ्टी थ्री मिनट आएगा, बिल्कुल सही आंसर। देखो दोस्तों हर किसी का पॉइंट जो है ना वो बढ़ रहा है, अगर इसके चालीस पॉइंट आए होंगे, अगर टीम एस के टास्क फाइव में 40 पॉइंट आए होंगे, 7 मिनट पहले कंप्लीट किया होगा, 60 में से 7 मिनट पहले कंप्लीट किया होगा, तभी तो इसको 7 मिनट बोनस, 7 नंबर बोनस मिला ना, 47 हो गया, बस ये इसका आंसर आ गया 53 मिनट। एक दो क्वेश्चन और पूछ लेता हूं फिर खत्म करेंगे, ठीक है, हाउ मेनी पॉइंट्स टीम क्यू गॉट ऑन कंप्लीटिंग टास्क थ्री, क्यू को टास्क थ्री कंप्लीट करने पे कितना क्या है टाइम, हाउ मेनी पॉइंट्स टीम क्यू, पॉइंट कितने मिले हैं क्यू को टास्क थ्री कंप्लीट करने में, जल्दी बताइए, क्यू को टास्क थ्री कंप्लीट करने में कितने पॉइंट मिले, लिखा हुआ है यार 66, सीधा आंसर दो ना यार, खत्म करो बात को, चलो बाकी क्वेश्चन ऐसे ही हलवा है, आप कोई मतलब नहीं है। ठीक है चलो ये तो हो गया दोस्तों, मैं ना एक क्वेश्चन और यहां पर करवाता हूं, रुक जाओ मैं देख लेता हूं पहले, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं पर इसको बनाएंगे, रुक जाओ है ना, दो मिनट रुकना बस, जल्दी खत्म करने का कोई मतलब नहीं है, बना लेते हैं, ये क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से मैंने करवाया हुआ है, अगर किया हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बना लो आप लोग एक बार फिर से, ठीक है, जिन्होंने किया हुआ है
ये किया हुआ क्वेश्चन ही है दोस्तों, पर अभी टाइम बच रहा था तो मैंने सोचा चलो एक क्वेश्चन और कर लेते, तो एक बार बना लीजिए। बहुत लोगों ने नहीं बनाया होगा ये क्वेश्चन, बहुत लोगों ने बना लिया होगा, यूट्यूब पे करवाया था शायद मैं इसको। फटाफट देखिए, जल्दी से बनाने की कोशिश करिए। रिपीटेड है, टेंशन मत लीजिए दोस्तों, कभी कभार क्या है ना, रिपीट हो जाता है चीज़ें। क्या होती है, मैं क्वेश्चन करवाया हूँ कि नहीं करवाया हूँ वो भूल जाता हूँ कई बार। अब जैसे इस पीडीएफ के आखिरी आखिरी के दो क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे, लेकिन बीच वाले नहीं हुए थे, तो गलती से ये वाले क्वेश्चन फिर से हो गए। तो खैर कोई बात नहीं, बीच बीच में कभी कभार ऐसा हो जाता है, भूल भी जाता हूँ मैं। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में जो भी क्वेश्चन हो आप लोगों के वो फ्रेश रहें। मैंने गलती से, अच्छा मैंने क्या गलती कर दी है, मैंने जून जुलाई जुलाई के बदले मैंने 2 मई वाला फाइल ले लिया है शायद। हाँ मैंने 2 मई का फाइल ले लिया है, इस वजह से ये पुराना आ गया है। गलती से मैंने दूसरी फाइल ओपन कर दी, हड़बड़ी में गड़बड़ी। अरे बाप रे, कौन है यार इतना लंबा लंबा पेस्ट किए जा रहा है, कैसे कर दे रहे हो यार। अमन जी डिटेल में क्या समझाना है, आप स्क्रॉल करिए ना, वो जो पजल दिख रहे हैं, डीआई दिख रहे हैं ना, ऐसे स्क्रॉल करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, नीचे में आपको दिख जाएगा वीक वीक वाइज जो डेज लिखा होगा, ऐसा 25 तारीख से लेकर इतनी तारीख तक के। तबीयत अच्छी नहीं लग रही यार एकदम, डिटेल में समझा दीजिएगा कैसे। अमन जी बता तो दिया, पीडीएफ को वेब में अवेलेबल कर दीजिए ना सर प्लीज, अलग से फोल्डर करके अपलोड कर दीजिए ना सर वेब में। शुभांकर जी वो पीडीएफ अपलोड नहीं हो पा रही है, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि वहाँ पर नहीं है वो फैसिलिटी, अवेलेबल नहीं है। वेबसाइट जो बनाई गई है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की क्लास देखने के लिए बनाई गई है, वेबसाइट में इसलिए अवेलेबल नहीं है पीडीएफ। ऐप में वो पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, वेब पे वैसे काम चल रहा है, शायद आपको थोड़े समय में, शायद उस पर काम चल रहा है। सर पता कैसे चलेगा कि किसने पहले टास्क कंप्लीट किया कि 53 मिनट आ गया। अभिजीत जी देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर उसके पॉइंट्स जो हैं वो 47 हैं, सवाल आपने अच्छा किया है पर थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना था तो आपको समझ में आ जाता वो चीज़। भाई अगर उसके पॉइंट्स 47 हैं तो जाहिर सी बात है पॉइंट कम तो किसी के नहीं हो रहे, कम तो किसी के भी नहीं हो रहे ना पॉइंट, तो यानी कि 47 पॉइंट है तो उसको क्या क्या पॉइंट मिल सकते थे, या तो 20 पॉइंट मिल सकते थे फिफ्थ कंप्लीट करने पे, या तो फोर्थ पे कंप्लीट करने पे उसको 40 पॉइंट मिल सकते थे। अगर फिफ्थ पे कंप्लीट करता और 20 पॉइंट मिलते तो 20 में 27 पॉइंट और ऐड होते तब जाकर 47 बनता, मतलब 27 मिनट पहले उसको काम खत्म किया होना होता, अपना टास्क खत्म किया होना होता। पर क्वेश्चन में क्या बोला था कि कोई भी बंदा 40 मिनट के पहले काम खत्म नहीं करेगा, यहीं से समझ में आ जाता है भाई कि ये डेफिनेटली 40 से ही 47 बना है, 7 मिनट पहले काम खत्म करके।
वेबसाइट कितने बार तो बता चुका हूँ यार, अंकुशलांबा.com। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इसको समझाना मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर बोल रहे हैं 9% ABCD, जिसने भी पूरा पूरा नाम लिखा है भैया, सबसे बड़ी गलती तो आपने पहले ही कर दी, सबसे बड़ी गलती तो आपने पहले ही कर दी, क्योंकि नाम आपको लिखने ही नहीं थे, आपको सिर्फ लिखना था 9% ABCDEFGH एंड I वेंट फॉर अ पार्टी वेयर दे सेट अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। द सीट वर नंबर्ड 1 to 9 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है भाई, अगर ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ऐसे 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, टोटल 9% ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब बोल रहे नो 2% रीच टू द पार्टी एट द सेम टाइम, कोई भी पर्सन सेम टाइम पे पार्टी पे नहीं पहुंचता है। द पर्सन हु रीच्ड फर्स्ट टुक सीट नंबर 1, जो भी सबसे पहले आएगा सीट नंबर 1 पे बैठेगा। द पर्सन हु रीच्ड सेकंड सेट ऑन सीट 4th टू लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु रीच्ड इमीडिएटली बिफोर हिम टू द पार्टी, मतलब भाई 4th टू लेफ्ट वाले बैठेगा सीट पे। द पर्सन हु रीच्ड सेकंड सेट ऑन द सीट 4th टू लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु रीच्ड इमीडिएटली बिफोर हिम टू द पार्टी। समझ में आया भाई, जैसे मान लो कि सी से जस्ट पहले डी आता है, ठीक है, तो डी के 4th टू लेफ्ट में 1 2 3 सी ऐसा बैठा होगा, ये बोल रहा है। अगर मान लो ये फर्स्ट आता है पार्टी में और ये सेकंड आता है पार्टी में, तो आपको क्या बोल रहा है, द पर्सन हु रीच्ड सेकंड सेट ऑन द सीट 4th टू लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु रीच्ड इमीडिएटली बिफोर हिम टू द पार्टी। तो भाई अगर सी सेकंड आया तो पहले वाले जस्ट इससे पहले जो भी पर्सन होगा उसके 4th टू लेफ्ट में आपको बैठाना है। अब बोल रहे द पर्सन हु रीच्ड थर्ड सेट ऑन द सीट 4th टू लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु रीच्ड इमीडिएटली बिफोर हिम टू द पार्टी एंड सो ऑन। मतलब सेम चीज ऐसे हो जाए, होते जाएगी। अब सी से अगर आगे आप मान लो कि ई आया थर्ड पे, तो ई कहां पर बैठेगा, सी से 4th टू लेफ्ट में 1 2 3 ये सी से 4th टू लेफ्ट में ई बैठेगा। समझ में आया, ठीक, चलो बनाते हैं। तो देखो दोस्तों क्या बोल रहे हैं, एटलीस्ट 2% रीच्ड बिटवीन एच एंड आई, एच और आई के बीच में कम से कम 2 लोग तो आते ही आते हैं। बी रीच्ड आफ्टर ई एंड नॉट एट लास्ट। तो भाई सबसे पहले तो यहां पर 9 लोगों का अरेंजमेंट बना लेते हैं, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो क्या बोल रहे हैं दोस्तों, देखो एटलीस्ट 2 पीपल रीच बिटवीन एच एंड आई, ये यहां पर हमने लिख दिया। बी रीच्ड आफ्टर ई, बी जो है वो ई के बाद आता है, एंड नॉट एट लास्ट, लेकिन लास्ट पे बी नहीं होगा। मोर देन 4% रीच बिफोर एच, एच से पहले मोर देन 4, 4 से ज्यादा लोग होने चाहिए, 4 से ज्यादा मतलब मिनिमम 5 तो होने ही चाहिए, तो एच के लिए आपके पास ये वाली जगह है, ठीक। अब हो रहा है अनुराग हु वाज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, ए जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है किससे, बी से। अनुराग हु वाज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी रीच्ड आफ्टर आई, ये आई के बाद आता है, एंड जस्ट बिफोर ई, एंड जस्ट बिफोर ई। इस कंडीशन को ध्यान से सुनिएगा, क्या बोल रहा है आपको, बोल रहा है ए हु वाज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, ए जो कि बी से इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है, तो बैठता है मतलब भैया ये सर्कल वाली बात हो गई आपको। लेकिन आगे क्या बोल रहा है, लेफ्ट ऑफ बी रीच्ड आफ्टर आई एंड जस्ट बिफोर ई, रीच्ड आफ्टर आई एंड जस्ट बिफोर ई, ठीक। अब बोल रहे मोर देन 1% रीच्ड बिटवीन डी एंड आई, तो डी और आई के बीच में मोर देन 1% है, मतलब कि +1 डी और आई के बीच में, एक से ज्यादा लोग होंगे। आगे बोल रहा है सी एफ एंड आई वर नॉट द फर्स्ट टू रीच, तो सी एफ और आई जो है ये फर्स्ट में नहीं आएंगे, मतलब सी एफ और आई यहां पर आप नहीं रख सकते। आगे बोल रहा है डी वॉज नीदर द लास्ट पर्सन टू रीच नॉर द पर्सन हु रीच जस्ट बिफोर आई, तो जो डी है यहां पर ध्यान से देखिएगा, डी के लिए क्या बोल रहा है, डी वॉज नीदर द लास्ट पर्सन टू रीच नॉर द पर्सन हु रीच्ड जस्ट बिफोर आई। तो दोस्तों आई और डी के बीच में तो एक से ज्यादा है, तो डी कभी आई के जस्ट पहले तो हो ही नहीं सकता था इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। बस ये वाले को आपको लिखना है कि डी वॉज नीदर द लास्ट पर्सन, मतलब डी जो है वो लास्ट में नहीं आ सकता। आगे आपको क्या बोल रहा है दोस्तों, जी रीच्ड इमीडिएटली आफ्टर एच, जी जो है वो इमीडिएट एच के बाद आता है,
एंड एफ रीच्ड बिफोर सी, एफ जो है वो सी के पहले आता है, सी हु रीच्ड बिफोर ए, सी जो कि ए के पहले आता है। तो इतनी सारी चीजें आप लोगों ने यहां पर रख दी। अब देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए, आपको सबसे पहले अरेंजमेंट बनाना है। अरेंजमेंट बनाओगे बहुत आसान, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। कैसे बनाओगे बताओ, कहां से स्टार्ट करोगे? चार पांच कंडीशन बस आपको दी गई है दोस्तों, एफ के नीचे सी, सी के नीचे ए, आई के नीचे ए, ए के नीचे जस्ट ई, ई के नीचे बी, सी एफ आई टॉप पे आ नहीं सकते। डी टॉप पे फिक्स। देखो दोस्तों इसका ना तरीका मैं बता रहा हूं आप लोगों को, आपको ना एच के लिए चार पॉसिबिलिटी दी हुई है, आपको एक एक करके चेक करना चाहिए उसी चीज को। अगर मैं एच को यहां पर रखता हूं, मैं एक एक करके पूरा चेक करके बताऊंगा, ठीक है? अगर मैं एच को यहां पर रखता हूं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखो एच से आपको क्या पता है, दो छोड़कर आई और एच के नीचे जी, तो एच के नीचे जी नहीं रख पा रहे हो, मतलब एच को यहां पर नहीं रख पाओगे, कंडीशन गलत हो गई, पहली कंडीशन गलत हो गई। ध्यान से सुनना, ये सब फिंगर रूल से आपको चेक करना है ना, मैं लिख लिख कर बता रहा हूं। अब H को अगर मैं यहां लेता हूं तो H के जस्ट नीचे G लेना है, H से दो छोड़कर I लेना था, तो ये हो गया I। अब देखो I के नीचे आपको क्या पता है भाई, A और उसके नीचे E होना चाहिए, तो A यहां पर हो गया, उसके नीचे E होना चाहिए, ये भी गलत हो गई कंडीशन। क्यों? क्योंकि E के नीचे B रखना है, कहां रखोगे अब, कोई जगह नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? ये कंडीशन भी अब गलत हो गई। अब क्या करेंगे, H को हम थर्ड वाली पोजिशन पर लेंगे, अब H को हम थर्ड वाली पोजिशन पर लेंगे, तो अगर हम H को थर्ड वाली पोजीशन पर लेते हैं, इमीडिएट नीचे G हो गया, H से दो छोड़कर I हो गया, ठीक है? अब इसके बाद देखिए I के नीचे A और E साथ में होने चाहिए, तो A और E अगर साथ में होने चाहिए तो A और E यहां पर आ गया, A और E यहां पर आ गया ना। अब देखो E के नीचे B रखना है, तो भाई E के नीचे B यहीं पर जाएगा, ये फिर से गलत हो गया है। देखो B जो है वो एंड पे नहीं होना चाहिए, गलत हो गया, पॉसिबल ही नहीं है। ये सारी चीजें फिंगर रूल से चेक करनी है। फिंगर रूल क्या होता है दोस्तों, ओरली चेक करने को फिंगर रूल बोलते हैं, बिना कुछ नोट किए अगर आप चेक करो। अब मैं यहां पर ओरली चेक कर दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं लिख लिख के दिखा रहा हूं कि क्या गलती हो रही है, ठीक है ना? आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ओरली चेक करना है। शुरुआत में दिक्कतें आएगी दो चार महीनों तक, लेकिन फिर सीख जाओगे। अब देखो दोस्तों एक ही जगह बचती है एस के लिए फोर्थ वाली, और इसके अलावा कोई भी जगह नहीं बचती। अब देखो आपको क्या पता है कि अगर एच को मैं यहां पर लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा, तो एच से दो छोड़कर आई को मैं नीचे नहीं ले सकता, क्योंकि आई के नीचे मुझे ए और ई को रखना था, मतलब डेफिनेटली H से दो छोड़कर I यहां आएगा, H के नीचे G यहां पर आएगा, ठीक है यहां तक? अब देखिए दोस्तों आपके पास और कौन सी कंडीशन दिख रही है भाई, कि जो आपका ये वाले कंडीशन है, ये तो हो गया है ना, और क्या पता है आपको? आपको ये पता है कि D और I के बीच में एक से ज्यादा लोग होने चाहिए, D और I के बीच में एक से ज्यादा। तो एक से ज्यादा क्या होता है दोस्तों, मिनिमम दो होता है। अब आई से देखो मिनिमम दो छोड़कर ऊपर कोई जगह नहीं है, मिनिमम दो छोड़ोगे तो ये दो पे तो ऑलरेडी दो लोग बैठे हैं, मतलब डेफिनेटली ये वाली दो जगह बच रही है डी के लिए, बच रही है ना। अब देखो आखिरी में अगर डी नहीं आ सकता तो डी को तो यही रखना पड़ेगा आपको, और तो कोई जगह ही नहीं बचती, तो ये डी आई वाली कंडीशन भी हो गई। अब देखो आपको पता है आई के नीचे ए और ई दोनों साथ में रखने, तो ए और उसके जस्ट नीचे ई यहीं पर आ सकते हैं, और तो कोई दो जगह खाली नहीं थी। अब देखो E के नीचे B रखना है, तो E के नीचे B के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह खाली दिख रही है आपको, ये तो फिर गलत हो गया यार। कुछ गलत कर दिया मैंने, कुछ मैंने गलती कर दी दोस्तों, एक बार फिर से देखता हूं मैं क्या गलती मैंने कर दी, फिर से देखता हूं, रुक जाओ। मैंने मिस्टेक की है, अगर मैं H को यहां पर लेता हूं तो H से दो छोड़कर आई, एच के जस्ट नीचे जी,
दोस्तों एटलीस्ट 2% है एच और आई के बीच में, ठीक है। मैंने जो गलती की है वो क्या की है, यहां पर बोला है एटलीस्ट, मतलब कम से कम 2% होने चाहिए एच और आई के बीच में, ठीक है। ये गलती हुई है, एच और आई के बीच में दो लोग नहीं है, दो लोग नहीं है एच और आई के बीच में, एटलीस्ट दो बोला है, कम से कम दो होने चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको फिर से एक बार चेक करते हैं। तो कम से कम दो होने चाहिए, तो अगर मैं एक बार आई को बढ़ाता हूं ऊपर तो क्या हो जाएगा, नहीं यार इसको ना कुछ और डिफरेंट तरीके से चेक करना पड़ेगा दोस्तों, वरना गलत होगा, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनेंगी। तो रुक जाओ थोड़ा और देखते हैं इसमें, पहले थोड़ा दिमाग लगा लेता हूँ, क्योंकि मेरी एक कंडीशन गलत होने की वजह से ये चीज़ ज़्यादा आगे बढ़ गई, ठीक है। तो जल्दी से एक बार कमेंट करिए कितने लोगों का सॉल्व हो गया, जिनका हो चुका है वो जा सकते हैं, जिनका जिनका सॉल्व हो चुका है वो लोग जा सकते हैं। चलो बनाते हैं दोस्तों इसमें। तो देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एच के लिए ये चार पॉसिबिलिटी दिख रही है, अगर मैं एच को बॉटम पे लूंगा, मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूं, है ना, एक एक करके पॉसिबिलिटी चेक करना, वो वाली गलती की वजह से फिर से चेक करना पड़ेगा। तो अगर मैं एच को यहां पर लेता हूं तो भाई ये तो गलत हो जा रहा है, क्योंकि एच के नीचे आपको क्या चाहिए था, एच के नीचे जी चाहिए था, तो यहां तो पॉसिबल नहीं है। अब यहां पर देखते हैं एच के नीचे जी, अब क्या होगा दोस्तों, एच से दो छोड़कर आई पे तो गलत हो रहा था, तो मैं क्या करूंगा, अब दो नहीं तीन छोड़कर मैं आई को लेता हूं। भाई अभी थोड़ी देर पहले चेक कर लिए थे ना, एच से दो छोड़कर आई उसमें तो गलत हो रहा था, तो अब तीन छोड़कर आई को ले लेते हैं। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, आई के नीचे ए और ई चाहिए, आई के नीचे ए और ई चाहिए, और ई के नीचे बी चाहिए, तो लिख लेते हैं भाई ए ई बी। अब देखो दोस्तों आपको क्या पता है कि ए के ऊपर सी उसके ऊपर एफ होना चाहिए, ए के ऊपर सी उसके ऊपर एफ, लेकिन एफ जो है वो टॉप पे नहीं है, तो सी एफ यहां पर रखो और जो बच गया उसको यहां पर रख दो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आपका हो गया सॉल्व, एकदम हलवा था यार ये, एकदम ही हलवा था ये। नेक्स्ट क्लास होगी कि नहीं होगी पता नहीं, मुझे बहुत एकदम अजीब सा फील हो रहा है, मतलब मैं क्वेश्चन खत्म करना है बोल के बैठा हूं, वरना मैं अभी तक गिर गया होता। डी एफ सी आई ए ई बी एच जी। अब दोस्तों इसको सर्कल में जब बनाना है आपको तो क्या करना पड़ेगा, आप देखो एंटी क्लॉकवाइज में वन, ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप लोगों को ये 9 लोगों को अगर अरेंज करना है ना, तो बोला क्या है भाई, सबसे पहले कौन आया है, डी आया है, फिर उसके बाद आपको क्या बोला है भाई, उससे आपको क्या करना है, सेकंड वाला पर्सन जो होगा अपने पहले वाले पर्सन से फोर्थ टू लेफ्ट में बैठा है, तो फोर्थ टू लेफ्ट में बैठा है मतलब कहां पर हो जाएगा भाई, डी से 1 2 3 4 यहां पर हो जाएगा, तो यहां पर लिख दो एफ को 1 2 3 4, यहां पर हो जाएगा सी, उसके बाद 1 2 3 4 यहां पर हो जाएगा आई, 1 2 3 4 यहां पर हो जाएगा आपका ए, 1 2 3 4 यहां पर हो जाएगा ई, 1 2 3 4 यहां पर हो जाएगा बी, 1 2 3 4 यहां पर हो जाएगा एच, 1 2 3 4 यहां पर हो जाएगा जी। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये हो गया सॉल्व फाइनली। आंसर एक बार चेक करेंगे और फिर जाएंगे। ये मैंने कैसे सॉल्व किया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। कुछ लोग सर्कल और थ्रेड कर रहे थे, अरे भैया जरूरत ही नहीं है सर्कल और थ्रेड की, सर्कल और थ्रेड की जरूरत ही नहीं है। आपको बोला है जो भी बंदा पहले आता है, फर्स्ट टू रीच, जो भी पहले आता है वो पहले वाले पोजिशन पर होगा, फिर जो सेकेंड आएगा ना वो इस वाले बंदे के फोर्थ टू लेफ्ट में, तो ये देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहां पर ये फागुन आ गई है देखो। अब फागुन के फोर्थ टू लेफ्ट में चिराग होगा, तो ये देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ये चिराग आ गया। तो जिसको आप लिखते जाओगे ना उसके फोर्थ टू लेफ्ट लेते जाओ। अब इसके देखो 1 2 3 4, ये इमरान आ गया, इमरान के बाद फिर से 1 2 3 4, ये अनुराग आ गया, फिर 1 2 3 4 यहां पर ईशव आ गया, उसके बाद 1 2 3 4 ये विनय आ गया, 1 2 3 4 हरीश आ गया, 1 2 3 4 गौरव आ गया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही आंसर है और कुछ आंसर नहीं है। जो भी लोग बोल रहे हैं सर इसका आंसर और भी कुछ नहीं हो सकता, आप चेक करके देखिए, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। चलिए इस सेशन को खत्म करता हूं दोस्तों, क्लास होगी कि नहीं होगी आप लोगों को पता चल जाएगा 1 बजे।
अगर थोड़ा ठीक लगता है 10-15 मिनट रेस्ट करता हूँ, अगर ठीक लगता है तो 1 बजे क्लास करेंगे, नहीं अगर अच्छा लगता है तो नहीं करूँगा क्लास, क्योंकि आके ऊट पटांग कुछ भी पढ़ाने का मेरे मुझे नहीं है मन, कि आके बस बैठा रहो, मन नहीं कर रहा पढ़ाने का, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, फिर भी कुछ भी पढ़ाया जा रहा है वो मैं नहीं करूँगा। तो अगर ठीक लगता है तो ही मैं पढ़ाऊँगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, चलिए ख़त्म करते हैं दोस्तों, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।